एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश की नई बुक का, जिसका नाम है जेनर फ्रिक्शन। ये बुक एसएल ड्यू के सेमेस्टर वन में आई हुई है। भाई बीए ऑनर्स के बच्चे हैं जो उनके पास भी है, पॉलिटिकल साइंस और बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट में ये आई हुई है। तो अगर आपके पास जेनरिक इलेक्टिव की एक बुक जेनर फ्रिक्शन नाम से इंग्लिश की है, तो ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर करा रहा हूँ हिंदी में। तो अगर किसी को इसके नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर शो कर रहा है, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज करके नोट्स को भी परचेज कर सकते हो। और आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर जो है वो सेकंड। हमने यूनिट वन जो है द शर्लोक होम्स द साइन ऑफ द फोर पढ़ ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर टू की, जिसका नाम है कजुओ इशिगुरो नेवर लेट मी गो। ठीक है, तो आज हम रीड करने वाले हैं वो है हमारा यूनिट नंबर टू, कजुओ इशिगुरो नेवर। सो नाउ वी स्टार्ट यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है कजुओ इशिगुरो नेवर लेट मी गो। ये स्टोरी जो है, अगर किसी को ये पीडीएफ बाय करनी है तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे नोट्स को ले सकते हो, बाय कर सकते हो। ठीक है, देखा अबाउट द अर्थर, अर्थर के बारे में बताया है कि जो इनके अर्थर हैं वो रीआउंड ब्रिटिश अर्थर थे, जिनका जन्म नागासाकी जापान में हुआ था 1954 में। उनको यहाँ पर लिखा गया है कि वो एक बेहतरीन स्टोरी टेलर थे, जिनको काफ़ी सारे अलग अलग तरह के अवार्ड्स वगैरह से नवाजा गया था, नोबल प्राइजेस वगैरह उनको मिले थे लिटरेचर के अंदर ही 2017 में। हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ द डे, और आगे लिखा है इन्होंने, विच वॉन द बुक प्राइज एंड द नेवर लेट मी गो। इशिगुरो ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ द मेमोरी आइडेंटिफाई आइडेंटिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन इन द नावल। वो अपने नावल्स के अंदर वो चीज़ें मैंशन करते थे, जैसे कि ह्यूमन कंडीशंस है, उनके इमोशन है, लास्ट इम्पैक्ट है उनका, जो ये सब चीज़ें वो मैंशन करा करते थे, ऐसी टाइप की नावल लिखते थे। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेवर लेट मी गो, इसकी समरी क्या है, क्या चीज़ है ये। नेवर लेट मी गो एक डिस्टोपियन वर्जन है ऑफ द 1990s का, इंग्लैंड का। ठीक है, वेयर द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन, यहाँ पर लिखा है प्रोलॉन्ग्ड थ्रू ए स्ट्रेट सेंटी, यहाँ पर लिखा है सेंटियंट प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन क्लोनिंग। यहाँ पर ना 1990s में बताया गया है कि जब इन्होंने नॉवल लिखी थी, इन्होंने एग्जम्पशन मान के लिखा था कि इन डिस्टोपियंस में क्या होगा जब सिटीजन जो है अपना काम खुद करने लगेंगे या क्लोन्स आ जाएंगे। क्लोन्स मतलब होता है कि वो जैसे रोबोट वगैरह होते हैं जो स्टूडेंट के बिहाफ पे काम करते हैं, तो वैसे लोग आने से क्या होगा। आगे लिखा है आउटसाइड वर्ल्ड एज यंग एडल्ट्स दे बीइंग टू डोनेट द वर्चुअल ऑर्गन्स, और हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो हम धीरे धीरे डोनेट करने लग जाएंगे, हम डोनर बन जाएंगे, हम रिसीव करने लग जाएंगे, हम चीज़ों की केयर करना भूल जाएंगे। क्लोन्स हु हैव नॉट येट बीइंग टू द डोनेशन प्रोसेस, और जो क्लोन्स होते हैं उनके पास कोई डोनेशन प्रोसेस नहीं होता। क्लोन्स कंटिन्यू टू डोनेट ऑर्गन एंड द कम्पीट फॉर द डेट आफ्टर द डोनेशन ऑफ द 3 and 4 ऑर्गन्स। कह रहा है कि हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ऑर्गन अगर डोनेट कर दें तो हमारी डेथ हो जाएगी। However, the premises is not immediately apparent to the reader. ये चीज़ जो है पढ़ने वाले पर तुरंत तुरंत हावी नहीं होगी, मगर ये नोवल स्टार्ट करने के बाद जो नरेटर कैथी एच है, उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज ए 31-year-old करियर। शी हैज़ बीन ए करियर न्यूली 12 years बट विल लीव हर रोल इन ए फ्यू मंथ। कैथी एक्सप्लेन दैट शी वॉन्ट टू रीविजिट हर मेमोरीज टू टॉमी एंड रूथ। कैथी बताती है कि हम जो इंसान हैं अपनी मेमोरीज को जल्दी से नहीं खोते, और ये जो मेमोरीज का सिलसिला है उनको अभी याद आता है कि जब वो 31 years की थी तब उनको एक बंदा मिला था जिनका नाम था टॉमी एंड रूथ। दो फ्रेंड थे जो उन्हीं के साथ पढ़े लिखे थे, उनके साथ ग्रुप हुए थे, हली शाम स्कूल वगैरह में पढ़े थे वो। आगे लिखा है आई थॉट कैथी नैरेटर ऑफ द ऑफन नॉन लीनियर दैट नोवल जो है 3 parts में डिवाइड करा गया है, उसको 3 stages में बांटा गया है। पार्ट 1 में कैथी रिमाइंड करती है अपना चाइल्डहुड और डिस्क्राइब करती है अपनी फ्रेंडशिप को रूथ्स के साथ, और अपनी पर्सनैलिटी कॉन्सेस्ट वगैरह वहाँ पर समझाती है। आगे लिखा है उसके बाद कि किस तरह से जो कैथी वो प्रेटेंड हो जाती थी अपनी स्पेशल नॉलेज और प्रिविलेज के लिए लोगों में जानी जाती थी। कैथी जो है डिस्क्राइब करती है टॉमी के बारे में, जो कि एक थ्रोइंग
टेम्पर की तरह था, मतलब कि यूज़ करना फेंकना जैसा कह रहा है। उसके बाद जो टॉमी है वो इनिशियली जो है वो आउटकास्ट का था, हमारे से अलग बैठता था, आउटकास्ट का था, पीर था, हमारे साथ ही रहता था। वैसे तो आर्टिस्टिक एबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, विच ऑफ द हेलिशमान स्टाफ। उसके बाद लिखा है कि टीचर जो है वो पेरेंट्स वगैरह को बनाते थे, अपने गार्जियंस वगैरह को बुलाया करते थे जब हम स्टडीज़ जो है अच्छे से नहीं करते थे। कैथी जो है सिंपथाइज़ करती है कि टॉमी जो है वो एक बहुत ही शांत था, ट्राई करता रहता था, कोशिश करता रहता था। टॉमी कभी भी जो है कंट्रोल में नहीं रहता था, वो गार्जियंस वगैरह जो है उनके मिस लूसी थी। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और बताइए कि नॉट नेसेसरी टू बी क्रिएटिव, ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव हो। आगे लिखा है द स्टूडेंट विल बी वैल्यूगली वेल वेगुली अबाउट द डोनेशन प्रोग्राम्स, देयर गार्जियन शील्ड फुल बी फुल अंडरस्टैंड ऑफ द फ्यूचर। मिस लूसी डिसएग्री विद इनडायरेक्ट अप्रोचेस, जो मिस लूसी थी जो उस छोटे लड़के की मम्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्ट अप्रोचेस से बहुत ज़्यादा डिसएग्री होती थी। फिर उनके फ्रंट में उनके स्टूडेंट का रिजल्ट ला के रखा जाता था, उनका बिहेवियर बताया जाता था कि आपका स्टूडेंट ये कर रहा है। टॉमी को और टॉमी को उसकी मम्मी के गुस्से वगैरह से वाकिफ़ कराया जाता था, जहाँ पर वो दिखाते थे कि जो मैडम है वो जो पढ़ा रही है वो सुनता नहीं है, स्कूल में काम नहीं करके लाता, बहुत ही बुरा तरह का बच्चा है, बिहेव अच्छा नहीं करता। उसकी पर्सनल पूरी गैलरीज को खोल दिया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। कैथी डांस करने लगती है फिर सॉन्ग पे नेवर लेट मी गो, द सॉन्ग वॉज कैथी ए फेवरेट ट्रैक सॉन्ग आफ्टर डार्क एंड ए जज ब्रिज वाटर। ये सॉन्ग जो है एक अंधेरे भरी दुनिया से उजाले की तरफ आने में हेल्प करता है। कैथी बताती है कि वो उसको सुनती है तो रोने लगती है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड कैथी लूज द टेप टॉमी, कैथी बोलती है कि मैंने किस तरह से लॉमी को जो है टॉमी को जो है छोड़ रखा है खुला, और इसको कोई काम वगैरह नहीं सौंपा होता, बट इस पर कोई जिम्मेदारियाँ नहीं दे रखी। आगे वो बताती है कैथी थिंक अबाउट द अपसेट, कैथी जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है, ब्रेकअप हो गया है ऐसा लग रहा है उसका, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 मंथ से उसने कभी किसी को डेट नहीं करा। आगे लिखा है टॉमी इज़ अपसेट अबाउट मिस्टर लूसी, जो टॉमी है वो भी मिस लूसी के लिए अपसेट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली वो जो बता रहा है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सारी ख़त्म हो चुकी है उसके रिगार्डिंग। क्रिएटिविटी मिस्टर लूसी हैज़ द हेलिसमैन एंड द टॉमी मैंड्स ऑफ द रिलेशनशिप विद रूथ। सेकेंड पार्ट, सो पार्ट नंबर 2 के अंदर यहाँ पे लिखा है कि जो रूथ और टॉमी है वो एक ट्रेडिशनल हाउस फैकल्टी कॉटेज वगैरह में है। दे एडजस्ट देयर न्यू लाइफ, वो अपनी नई जिंदगी जी ही रहे हैं कि उसके साथ ही साथ वो और भी स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं। आगे लिखा है रूथ ऑफन इग्नोर्स टॉमी एंड कैथी, जो रूथ है वो टॉमी और कैथी को इग्नोर करता है, उसके सामने से भी निकल जाता है मगर बोलता तक नहीं है। वेयर आर नॉट फ्रॉम हेलिसमान, हम जो है वो हेलिसमान नहीं है क्योंकि वो हेलिसमान नहीं है, वो नीची कास्ट का है। आगे लिखा है उसके बाद हेलिसमान स्टूडेंट विद अवे वन कपल, एक कपल है जिसका नाम है क्रिसी एंड रोडनी, दोनों के दोनों स्पेशली इंटरेस्टिंग है हेलिसमान में। ये दोनों के दोनों जो है रूथ के पास जाते हैं नॉरफॉक के लिए, दोनों के दोनों को समझाते हैं, चलने के लिए बोलते हैं, ओपन प्लान ऑफिस होता है जहाँ पे। यहाँ पे बोला है ए पॉसिबल इज द ह्यूमन दैट रिसेंबल ए स्पेसिफिक क्लोन एंड होम टू क्लोन डीएनए में बी कॉपीड, कह रहा है अगर कोई भी आदमी होता है तो उससे बनने वाला जो भी प्रोडक्ट होता है या फिर जो भी चीज़ क्रिएट होती है वो भी एक कॉपी ही होती है। तो कैथी और रूडनी अगर बात करते हैं कि स्पेशली ये रूथ बिहेवियर है, फीचर है, ड्रीम है, उसके बारे में बताते रहते हैं। तो आगे वो बोलते हैं जो क्रिस और रूडनी होती है वो इस रूमर को सुनने के बाद बताती हैं कि हेलिसमान में जो कपल्स हैं वो कपल्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं हेलिसमान में, यहाँ पर जो कपल्स हैं जैसे कि डोनेशन वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं, सरप्राइजेस के लिए जाने जाते हैं, ओपन बिजनेस प्लान है उसके लिए जाने जाते हैं। फिर वो बताती है कि किस तरह से एक वूमेन जो है वो विंडो से खिड़की से झांक रही है और अलग अलग तरह की पॉसिबल चीज़ें जो है वो कर रही है, उसका मॉड्यूल जो है ड्रेसेस जो है वो सारा समझाती है। अब जो टॉमी है जो कैथी है वो फाइंड ए कॉपी कैथी, वो एक कॉपी कैथी को ढूंढ रहे हैं लॉस्ट टेप सेकंड हैंड स्टोर गए हुए हैं, वहाँ पर एक टेप खो गई है उनकी, वो उसको ढूंढ रहे हैं ट्रैश में, कूड़ा करकट फैला हुआ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। आगे लिखा है टॉमी टेल्स कैथी डैट ही बिगन टू ड्राइंग पिक्चर्स एंड इमेजिनरी एनिमल, टॉमी कहता है कैथी को चलो हम शुरू करते हैं एक इमेजिनरी एनिमल बनाना, वो एनिमल जो हमने सिर्फ सोचा हुआ है ख्वाबों में वो हम बनाते हैं।
ही थिंक्स कि जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे इस कपल्स वगैरह से अप्लाई करेंगे, उसके ट्रू लव को समझेंगे। आफ्टर नॉरफॉक रूथ स्टॉप टॉकिंग अबाउट द ड्रीम फ्यूचर। रूथ जो है अपने ड्रीम फ्यूचर के बारे में बताने के लिए बंद कर देता है। टॉमी शो कर देता है कि देखो मैंने ड्राइंग बनाई है कैथी, वो अपनी ड्राइंग दिखाता है जहाँ पर वो पजलिंग दिखाता है। मीनवाइल कैथी और फ्रेंडशिप जो है वो ग्रो इंक्रीज होने लगती है, बढ़ जाने लगती है। फिर उसके बाद जो टॉमी है वो कहता है टॉमी नेवर रिटर्न कैथी, टॉमी की कैथी कभी वापस नहीं आएगी। उसकी फीलिंग्स वगैरह उसके जाने के बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है करियर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो तुम्हारा छूटा है वो तुम्हें दोबारा खुद से करना पड़ेगा। पार्ट थ्री आता है जहाँ पर कैथी अपना टाइम एज ए करियर को देती है। व्हेन कैथी इज़ ए गुड जॉब, कैथी की जॉब अच्छी है, वो डिफ़िकल्ट काम करती है और वो लोनली फील करती है जहाँ उसने कुछ चीज़ों को अनएक्सपेक्टेड सोच रखा है। जैसे उसकी एक फ्रेंड है लोरा, वो उसके करियर के बारे में भी डिस्कस कर रही है। आगे वो बताती है कि फर्स्ट बैड फर्स्ट डोनेशन हमारा यहीं हुआ था, हमने एक दूसरे से हैलिस्मान के बारे में बात करी थी, हम बहुत दूसरे के क्लोज आ गए थे। फिर वो अपना रिलेशनशिप और गारंटेड के बारे में बताती है। फिर वो एक्सप्रेस करती है कि किस तरह से वो और टॉमी घूमने जाते थे, रिकवरी सेंटर जाते थे, किस तरह से वो और टॉमी जो है बोट में राइडिंग करते थे, क्रम्बलिंग करते थे। आगे वो इसी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। फिर लिखा है दे ऑल्सो डिस्कस क्रिस एंड कम्प्लीट द सेकेंड डोनेशन। अब वो सेकेंड डोनेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर क्रिस का जिक्र है। ऑन द रिटर्न ट्रिप, जब वो ट्रिप से वापस आते हैं तो रूथ से जो है वो माफ़ी मांगता है कि टॉमी और कैथी से कि मैंने ऐसा बिहेव किया। इनको इनकरेज करता है, फिर उनको डिस्कवर करने में हेल्प करता है, उनका घर खोजने में मदद करता है। कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद कैथी और रूथ जो है वो शांतिपूर्वक अपने घरों में रहते हैं। रूथ ऑल्सो इनक्रेज कैथी एंड टॉमी करियर। रूथ जो है ऑल्सो हमेशा जो है वो इनक्रेज करती रहती है टॉमी और जूल्स के कैरेक्टर को। फिर लिखा है रूथ कम्प्लीटली आफ्टर हर माइंड डोनेशन। रूथ जो है अपनी माइंड अपनी सेकेंड डोनेशन वगैरह के बारे में जो है कम्प्लीटली बताती है कि टॉमी गिव द थर्ड डोनेशन, टॉमी ने थर्ड डोनेशन भी दी थी और बिकम एज अ करियर। कहता है कि ये जो काफ़ी सारे दिन उसने स्पेंड करे हैं रिकवरी सेंटर वगैरह पर जो बिताए हैं, वो कह रहा है आई हैव ऑल्सो बींग टू हैव सेक्स होपिंग ए पिजर होपिंग ए परस्यू एंड अ डिफरेंट एंड द विजिट मैडम टू एड्रेस रूथ प्रोवाइडेड मैडम इनवाइट टू इनसाइड एंड लिसन द रिक्वेस्ट एंड विच मे द अप्लाई अपीयर्स फ्रॉम द नेक्स्ट डोर मिस एमिली सेज दैट द डिफरेंट डू नॉट एग्जिट। वो कहती है कि यहाँ पर सोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है, इस कमरे में अगर एक बार आ गए हो तो साथ ही रहते हैं। सी एक्सप्लेन हैलिस्मान वॉज द पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। वो बताते हैं कि किस तरह से हैलिस्मान जो है वो एक प्रोग्रेस पार्ट है हमारे लिए दोनों के लिए। आगे लिखा है मैडम यूज टू द एग्जिबिट द स्टूडेंट आर्ट वर्क एंड शो द आउटसाइड। वो बाहर की तरफ जो है शो करती है अपने क्लोन्स को, सोल्स को और भी बहुत सारी चीज़ों को। आगे वो लिखा है कि चेंजिंग ओपिनियन एवेंचुअली फोर्स्ड हैलिस्मान टू क्लोज द ड्राइव बैक टू द रिकवरी सेंटर। टॉमी आस्क कैथी टू पुल ओवर। टॉमी बोलता है कैथी को कि इसको खींचो किसी तरह से। वो जो है जल्दी जल्दी चलने लगते हैं क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। कैथी और टॉमी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद जो टॉमी है वो फोर्थ डोनेशन कम्प्लीट करता है। कैथी जो है वो ड्राइव करती है नॉर्फलॉक को, वहाँ पर वो अलाउ करते हैं एक दूसरे को। टॉमी और कैथी जो है अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं दोनों एक साइड हॉरिजॉन पे। देन शी ड्राइव्स अवे। फिर वो ड्राइव करके चले जाते हैं, बस कहानी यहाँ पर ख़त्म। यूनिट नंबर 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई विश वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स बाय कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है नीचे, आप कॉन्टैक्ट करके इस नंबर से भी नोट्स को परचेज कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई लेक्चर के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।